वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल गाइज एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, अगर आप लोगों ने भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अटेंड किया हुआ है और आप लोग जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी की सैलरी पैकेज क्या होने वाली है 2019 में, साथ में और कितने प्रकार के फ़ायदे मिलने वाले हैं, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पर रेलवे ने सब कुछ साफ कर दिया है, आपको सैलरी के बारे में, अदर बेनिफिट्स के बारे में, जॉब प्रोफाइल, करियर के मौके के बारे में सब चीज़ डिटेल में बता दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं nowbharattimes.com की अपडेट है और ये कल के दिन की अपडेट है 17 जनवरी 2019। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी सैलरी 2019 के बारे में बताया गया है, यानी पास होने पर कितनी सैलरी मिलेगी, यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कितना पे स्केल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट आने की उम्मीद है, छात्र काफ़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल आंसर की पर आपत्ति जताने की अंतिम तारीख 19 जनवरी है। उसके बाद चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आरआरबी ग्रुप डी आंसर की जारी होने के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, यानी फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में। ऐसे में सैलरी को लेकर कैंडिडेट्स के बीच काफ़ी उत्सुकता है। आइए आज आपको बताते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के सैलरी, पे स्केल, जॉब प्रोफाइल और कैरियर के मौके क्या हैं, यानी इन चार चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेलवे ग्रुप डी सैलरी वेतनमान। तो आपको यहाँ पे सीधा साफ बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों को 18,000 रुपये शुरुआती वेतन के साथ सातवें CPC पे मैट्रिक्स के लेवल एक के मुताबिक सैलरी मिलेगी, यानी जो मिनिमम आपकी सैलरी होगी, सैलरी बस आपका जो होगा वो 18,000 रुपये होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रेड पे देख लीजिए, यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें बताई गई हैं कि 5,400 रुपये ग्रेड पे होगा और ग्रेड पे एंट्री लेवल 21,000 रुपये, साथ में 5,700 और यहाँ पे बताया गया है 23,190, ये बढ़ता जाएगा। और ये PB1 है और PB2 के लिए है, PB3 के लिए है। इसका न्यूज़ का नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से सिंपली चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी सैलरी के अन्य भत्ते के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डियरनेस अलावंस DA जिसको बोलते हैं, महंगाई भत्ता, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी आपको जो है तो देता जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट। उसके बाद दैनिक भत्ता, 8 किलोमीटर से ज़्यादा पर माइलेज भत्ता मिलेगा। और उसके बाद है थर्ड नंबर परिवहन भत्ता, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट अलावेंस आने जाने का। उसके बाद मकान किराया, जिस मकान के किराए में आप रहते हैं, हाउस रेंट। उसके बाद अवकाश के मामले में मुआवजा, यानी आप लोग जो हॉलीडेज लेते हैं उसमें भी आपको छूट, जैसे पैसे वैसे कटते वो नहीं कटेंगे। उसके बाद नाइट ड्यूटी के लिए भत्ता, यानी कि आपको अगर एक्स्ट्रा, जैसे बोलते हैं कि ओवर टाइम जिसको बोला जाता है, अगर आप लोग वो करते हैं तो उसके लिए अलग से बेनिफिट। निर्धारित वाहन भत्ता, जो आपको वाहन दिए जाएंगे उसका भी भत्ता और साथ में ओवर टाइम भत्ता तो मिलेगा। ये नाइट जो ड्यूटी के लिए भत्ता है, या अगर आपकी डे ड्यूटी है, नाइट लगाया जाता तब मिलेगा, और ओवर टाइम ये अलग से दिया जाएगा। उसके बाद करियर के ऑप्शन में आप लोग प्रमोशन देख लीजिए रेलवे ग्रुप डी सैलरी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रुप सी कैटेगरी में प्रमोशन मिल सकता है, यानी जो अभी आप लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं वो सबसे नीचे की पोस्ट है ग्रुप डी, जिसमें आप लोगों का रहेगा लगभग काम के बारे में बताया जाए तो नॉर्मल से जो काम होते हैं, जैसे कि आपकी पोस्ट हैं गेट कीपर वगैरह की हो गई, और जो आपका लाइट वगैरह दिखाता है रेड और या फिर ग्रीन, अलग अलग सिग्नल्स दिखाता है, उसमें ड्यूटी लगेगी। उसके बाद आपको ऑफिशियली पद जो ग्रुप सी का होता है, इसके लिए अलग से पेपर्स ऑर्गेनाइज होता है, तो आपको पेपर नहीं देना होगा। अगर आप ग्रुप डी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ग्रुप सी में आपका डायरेक्टली प्रमोशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।